नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों, अन्नदाताओं, सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 22 सितंबर 2023 दिन आज शुक्रवार। चलिए जानते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज प्याज में कैसी क्या उछाल देखने को मिली, आवक कैसी क्या है, गाड़ियां कितनी क्या आई हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको हमारी जानकारी सही लगे। दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज का क्या माहौल है, कितनी क्या आवकें हैं, पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को सटीक जानकारी चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पहले अगर आवक के बारे में बात करें तो आज 75 से लेकर के 78 गाड़ियों की आवक है, क्योंकि आप लोगों को पता है अन्य राज्यों में बारिश का माहौल चल रहा है, उसकी वजह से जो गाड़ियां इतनी नहीं आ पा रही हैं। नासिक की गाड़ियां हैं, एमपी से गाड़ियां हैं, हरियाणा पंजाब से गाड़ियां हैं, और मैं आपको बता दूं कि गाड़ियों की आवक है वो 75 से लेकर 78 गाड़ियों की आवक है। आवक फिलहाल मध्यम है, मीडियम है, लेकिन यहां पर प्याज के रेट की बात करें तो काफी ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल पा रही। जी हां मेरे प्यारे किसान भाइयों, जो फर्स्ट क्वालिटी का प्याज है अगर हम किलो के हिसाब से बात करें तो जो नंबर एक का प्याज है वो 21 रुपए से किलो से लेकर के 24 रुपए किलो है। जो मध्यम मीडियम प्याज है वो 1500-1600 रुपए से लेकर के लगभग आप 20 रुपए किलो मान लीजिए, और जो मिक्स छोटा मोटा छठा प्याज है वो भी 13-14 रुपए से लेकर के लगभग 15 रुपए किलो है। यानी कि प्याज का अभाव आज मध्यम देखने को मिल रहा है किसान साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके